महाराजपुर में पिता पुत्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाप और बेटा दोनों खेत में पानी देने गए थे। जब परिजन सुबह खेत पहुंचे तो दोनों के शव कुएं में मिले। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। ये पूरी घटना महाराजपुर थाने के हरपाईहार की है, जहां बाप बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिता पुत्र रात में खेत में पानी देने गए हुए थे। जब सुबह परिजन खेत पहुंचे तब दोनों के शव कुएं में मिले। पिता का शव तार में और पुत्र का शव तौलिया में बंधा हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों ने पिता पुत्र की हत्या की आशंका जताई है। ये घटना ऐसी है, हमारा जो चाचा का लड़का था और उसका भी छोटा भाई, मतलब हमारा भतीजा, दोनों बाप बेटा आए यहाँ पर कुआ पे कब आए? पानी लगाने के लाने कल शाम के खाना खा के आए, लगभग 8 और 9 के बीच में। ने देखा कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो सो गए। सोवे के बाद फिर नहीं पता कि कितनी टाइम, 10 बजे 11 बजे 12 कितनी टाइम की घटना है। दोनों को मार के किसी ने कुएं में डाल दिया, बांध डाल दिया। इस पूरी घटना को लेकर SDOP सलील शर्मा ने कहा कि मामले में आगे जांच की जाएगी। जांच में जो भी सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। अभी जस्ट इतनी जानकारी प्राथमिक तौर पर उनके घर वालों से प्राप्त हुई है कि यहाँ पे लाला राम वाजपेयी जी के खेत में जो है अधाई से अपनी खेती करते थे, रात्रि में यहाँ पानी देने के लिए आए हुए थे। सुबह जब इनकी पत्नी ने नहीं देखा तो नदी की तरफ अपनी बच्ची को भेजा, स्वयं पानी लेने गई तो इनकी बॉडी इस कुएं के अंदर दिखी है। प्रथम दृष्टया अभी देखा गया है बॉडी अंदर औंधी पड़ी हुई है, जो कि ड्राउनिंग का एक प्रिलिमिनरी साइन होता है। स्ट्रगल मार्क बाहर नहीं है। अब बॉडी निकलवा के जो भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो भी अपडेट होगी आपको देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।